हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद अजगोली और मेकटेक इंडिया के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि ट्रिपल गेज को कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसके बारे में जानने के से पहले हम बात करेंगे कि जैसे कि जनरल टाइप्स होते हैं टेपर थ्रेड्स के, उसमें टेपर प्लग NPT टाइप का होता है, BSPT और BSPP। तो NPT यानी नेशनल पाइप टेपर थ्रेड और BSPT मतलब ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दोनों टेपर थ्रेड के कैटेगरी में आते हैं। तो मेजर डिफरेंस जो होता है दोनों में वो तो होता है फ्लैंक एंगल का। और BSPP यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड पैरेलल पाइप, जिसके बारे में हमने पहले ही वीडियो डाला हुआ है, यानी पैरेलल थ्रेड का, तो उसका प्लग गेज से कैसे चेक किया जाता है टेपर प्लग थ्रेडेड प्लग गेज से, उसका भी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वो आप चेक कीजिएगा। तो बात करते हैं NPT यानी नेशनल पाइप टेपर थ्रेड, यानी ये है मेरे पास गेज 1/8 इंच NPT टेपर गेज का। टेपर गेज में जो डिफरेंस होता है, यानी पैरेलल थ्रेड्स जो होते हैं वो पैरेलल ही होते हैं स्ट्रेट, और टेपर थ्रेडेड थ्रेड जो होते हैं वो टेपर्स होते हैं, इस तरह टेपर होते हैं, और उसके बीच में का जो एंगल होता है वो 1.46 डिग्री का होता है। तो मेजर जो टेपर थ्रेड जो है जो यूज़ होता है वो सीलिंग यानी लीकेज प्रिवेंट करने के लिए, या फिर ग्रीस लॉकिंग के लिए, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जहाँ पे टेपर थ्रेड यूज़ करते हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो NPT थ्रेड्स कैसे चेक किया जाता है वो हम बात करेंगे। और स्ट्रेट थ्रेड गेज का जो वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है, उसमें होता है ऐसा है कि एक साइड गो होता है, एक साइड नो गो होता है, पर टेपर थ्रेड ऐसे चेक नहीं किया जाता है, उसमें एक ही साइड होता है जिसमें दोनों गो और नो गो दोनों दिया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्लॉट दिया हुआ है टेपर थ्रेड का, तो चेक करते हैं कि कैसे इसको गेज क्वालिफाई होता है कि नहीं है। यहाँ पे एक जॉब है जिसमें 1/8 इंच का टेपर थ्रेडिंग किया हुआ है, तो वो चेक करते हैं कि क्वालिफाई होता है कि नहीं है। ठीक है, इससे आगे ये गेज नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि जो एंड पॉइंट है गेज इन बिटवीन द स्लॉट स्लॉट के बीच में बीच तक रहना चाहिए। यानी अगर हम देखें तो ये अगर गेज यहीं तक जाता है यानी स्लॉट के नीचे, तो ये नॉट ओके। अगर गेज पूरा अंदर जाता है यहाँ तक, यानी लूज फिटमेंट है, यानी इसको भी हम नॉट ओके बोल सकते हैं। तो ये दोनों के इस स्लॉट के बीच में होना चाहिए, ये जो स्लॉट है दोनों के बीच में अगर रहता है एंड पॉइंट, तो उसे हम ओके कह सकते हैं। ये तो हुआ कैसे टेपर थ्रेड गेज को यूज़ किया जाता है। और ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है 1/8-28 NPT, 28 का मीनिंग होता है कि 28 थ्रेड्स पर इंच, एक इंच में 28 थ्रेड्स होती है। और उसके बाद 1/8 का स्टैंडर्ड अगर देखोगे, US स्टैंडर्ड है, उसमें अगर देखोगे तो वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड सब साइजेस मिलेंगे। यानी पिच का साइज़ होता है 0.907 mm का पिच होता है, मेजर डाया होता है 9.7 mm, और माइनर डाया होता है 9.56 mm। ये तो था टेपर थ्रेड के बारे में। अगर आपको स्ट्रेट थ्रेड गेज के बारे में अगर जानना है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक देख सकते हैं।